नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर, निर्णय अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको रस के अंग के बारे में बताया, अब लेके चलते हैं आपको रस के भेद या प्रकार की ओर। रस के कुल भेद या प्रकार नौ होते हैं, रसों की संख्या कुल नौ होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी आपके एग्जाम में यह पूछ ले रसों की कुल संख्या कितनी या भेद कितने, कुल नौ होते हैं। उसमें पहला है श्रृंगार रस। हमने आपको बताया था श्रृंगार रस वहाँ होता है जब सौंदर्य या प्रेम की बात चले, नायक नायिका के इत्यादि के प्रेम की बात हो या सौंदर्य इत्यादि की बात हो, तो वहाँ कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। और आपको हम बता दें, मन में प्रेम की भावना दो तरह से रहती है, एक साथ रहने पर या मिलने पर, या फिर मिलन रूप में जब रहता है तब, और एक अलग हो जाते हैं तो भी प्रेम रहता है। जब मिलने की आशा रहती है तब वो प्रेम रहता है, और मिलने की आशा नष्ट हो जाएगी तो प्रेम नष्ट हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, श्रृंगार रस के इस तरह से दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन? संयोग श्रृंगार, या इसे संभोग श्रृंगार कहते हैं, और दूसरा है वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार रस। जब नायक नायिका एक साथ रहें अर्थात बिछड़ाव न हो, तो ऐसी दशा में जो प्रेम आता है वह कौन सा प्रेम होता है? वह भी जो है संयोग श्रृंगार या संभोग श्रृंगार होता है। जैसे देखें आप, हम कह दें बतरस लालच लाल की, लाल की मुरली धई लुकाए, सौह करें भौहन हंसें, भौहन हंसें दैन कहें नटि जाए। अब आप देख रहे हैं, कोई किसी की, राधा जी जो हैं मुरली की, कृष्ण की मुरली क्या करती हैं? छिपा देती हैं। और जो है जब कृष्ण पूछते हैं कि आप मेरी मुरलियाँ जानती हैं, तो जो है कहती हैं, सौंह करें, कसम खाती हैं, सौगंध लेती हैं कि नहीं जानते, फिर भी भाव हैं, हंस रहे थे कि मैं जानती हूँ लेकिन बताऊंगी नहीं। दैन कहें, बार बार कहते हैं, फिर भी क्या करते हैं? नट जाए, फिर भी मना कर देती कि हम नहीं जानते। इस तरह से आपने देखा कि नायक नायिका एक साथ हैं, उनके प्रेम भाव का वर्णन किया गया है, इसलिए कौन सा रस होगा? संयोग या संभोग श्रृंगार रस होता है। और जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाएं, जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाएं, याद रखिएगा, और मिलने की आशा न रहे, तो समझ जाइएगा वहां कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार रस। जैसे राम का वन में सीता को खोजना और अन्य सभी से पूछना, पशुओं से पूछना, पक्षियों से पूछना, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? नायक नायिका से तो अलग है लेकिन मिलने की उम्मीद है, इसी उम्मीद के कारण राम जो है पशुओं पक्षियों से कहते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यहाँ पर राम को क्या है? मिलने की उम्मीद है सीता के, इसलिए क्या कर रहे हैं? वो पशुओं पक्षियों से पूछ रहे हैं, मिलने की आशा अगर न होना होती तब क्या होता? तब वहाँ पर वियोग न होकर के करुण रस हो जाता। जैसे मान लीजिए हमारे सेना के कुछ जवान अभी शहीद हुए पुलवामा में, अब उनकी धर्मपत्नियाँ जब उनके लिए जो है तड़पेंगी, रोएंगी, तब वहाँ पर क्या होगा? तब वहाँ पर वियोग या विप्रलंब श्रृंगार न होकर करुण रस हो जाएगा, क्योंकि उनके मिलने की आशा पूरी तरह से नष्ट हो गई है। मिलने की आशा रहेगी तो वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है, और मिलने की आशा जब नष्ट हो जाए तो करुण होता है, और जब साथ में है तब उनके प्रेम भाव का वर्णन हो तो वहाँ संयोग या संभोग होता है। तो जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लिया जाए
कि जैसे किसी के सौंदर्य का वर्णन हो, जैसे मान लिया जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, इसका मतलब मुकुट की बात है, उनके सौंदर्य की बात है, इसका मतलब कौन सा रस? श्रृंगार रस। और दोस्तों आपको बता दें, सभी रसों में जो श्रेष्ठ रस है वह आपका श्रृंगार रस है, इसीलिए श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, रसों का राजा, इसीलिए समास बनकर हो जाता है इसका रसराज, रसराज अर्थात रसों का राजा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रस दोस्तों हास्य रस। हास्य रस इसका स्थायी भाव हास या हंसी है, हास या हंसी है। जब कोई ऐसा प्रसंग चले जिसमें हंसी का भाव आए, जिसको पढ़कर सुनकर देखकर हमारे मन में हंसी के भाव आए, तो वहां कौन सा रस होता है? हास्य रस। जैसे हम कह दें तंबूरा लिए मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे, चुके थे सारे श्रोता। अब यहां पर क्या है, आप देख रहे हैं कि तंबूरा लिए मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, कोई प्रेम प्रताप थे तंबूरा लेके मंच पर बैठ गए, उनको 15 मिनट का समय मिला, लेकिन 15 मिनट क्या, 1 घंटे तक जो है राग अलापते रह गए, और ऐसा राग अलापे, ऐसा राग में खो गए कि जो सुनने वाले थे सब खिसक लिए। तो ऐसे प्रसंग को सुनकर या देखकर या पढ़कर हमारे मन में कैसी भावनाएं आती हैं? हंसी की भावनाएं आती हैं। इसलिए यहाँ कौन सा रस होता है? हास्य रस। जैसे आपको कह दें विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतमती यतरि तुलसी सो कथा सुनबे मुनि बृंद सुखारे, वहें शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तियारे, किनी भली रघुनायक कजु करुणा करी कानन को पग उधारे। यहाँ पर देखें आप, विंध्य के लोग इसलिए दुखी हैं कि उन नारियां उनके पास नहीं थी। अब बताइए कोई भी व्यक्ति सुनेगा कि बिना नारी के दुखी हैं तो क्या होगा? यहाँ लोग नारी से त्रस्त हैं और वो बिना नारी के दुखी हैं तो क्या होता है? यहाँ पर ऐसी दशा में हमारे मन में हंसी के भाव आते हैं और यह सुनकर के वो बहुत आह्लादित होते हैं कि अब राम आए हैं, विंध्य सेक्टर में बहुत शिलाएं बहुत पत्थर हैं, जिसको छू देंगे वे सब नारियाँ जो है नारी बन जाएंगी, सुंदर चंद्रमुखी बन जाएंगी। तो इसकी ये सब सारे प्रसंग को सुनकर या देखकर हमारे मन में कैसे भाव आते हैं? हंसी के भाव आते हैं। इसके बाद लेके चलते हैं आपको करुण रस की तरफ। तीसरा रस है आपका करुण रस। इसमें क्या होता है, नायक नायिका हो या जो कोई भी हो, जब कोई किसी से अलग हो, जब कोई किसी से अलग हो और मिलने की आशा न रहे, मिलने की आशा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा साइन मिस्टेक हुआ है, जो उसमें है वियोग में उसमें मिलने की आशा रहती है, लेकिन जो करुण रस होता है मिलने की आशा नहीं रहती, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसमें मिलने की आशा नहीं रहती है। मिलने की आशा हो तो प्रेम रहेगा, और मिलने की आशा न रहे तब प्रेम नहीं रहेगा, इसका मतलब करुण रस हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं आपको, इसका स्थायी भाव शोक होता है। मर खोए भुजंग सी जननी,
भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब देखिए यहां पर राजा दशरथ को श्रवण कुमार की मां उलाहना दे रही है। आपको कुछ न समझ में आए इतना देखें आप, मणि खोए भुजंगसी जननी फंसा पटक रही थी शीश। अब कभी सर्प अगर अपनी मणि खो देता है तो मिलने की आशा नष्ट कर देता है। कोई मणि लेके जाएगा तो ये नहीं कहेगा ले अपनी मणि। कहने का तात्पर्य है इसी तरह से श्रवण कुमार की माँ क्या कर रही थी, पुत्र वियोग में राजा दशरथ को उलाहना दे रही थी और उलाहना देते हुए कह रही थी कि आपने मेरे साथ ही बहुत बड़ा अन्याय किया है। और जो है उसी वियोग में वह क्या कर रही, अपना शीश पटक पटक के जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब यहाँ पर देखें आप दोस्तों, श्रवण कुमार की माँ पुत्र वियोग के लिए तड़प रही हैं लेकिन पुत्र के मिलने की आशा नहीं है, इसलिए वहाँ पर कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। अब लेके चलते हैं आपको अगले रस की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जब कोई किसी से अलग हो और मिलने की आशा न हो तो वहां वियोग न हो करके करुण रस होगा, अगर मिलने की आशा है तो वहां पर वियोग श्रृंगार हो जाएगा। इसके बाद चौथा रस है वीर रस। आप जानते हैं इसका स्थायी भाव उत्साह है। जब कोई वीरता की बात आए, वीरता का प्रसंग चले तो समझ जाइएगा वहाँ पर वीर रस होता है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ पर कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। जैसे महाराणा प्रताप का वर्णन हो तो वहाँ पर भी कौन सा रस होगा, किसी के वीरता का वर्णन जब हो तो समझ जाइएगा वहाँ वीर रस होता है। और दोस्तों आपको बता दें एक प्रश्न यहाँ से अभी आता है, वीर जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, आपको बता दें चार प्रकार के वीर होते हैं। वीर कुल चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका जो है वह है युद्धवीर। युद्धवीर के अंतर्गत जैसे अर्जुन, अभिमन्यु इत्यादि, दानवीर। दानवीर में आप जानते होंगे कर्ण का नाम आता है, दधीच का नाम आता है, इसी तरह से अन्य के नाम आते हैं राजा हरिश्चंद्र वगैरह के। धर्मवीर, कर्तव्य के प्रति ईमानदारी बिल्कुल निष्ठावान, इसमें आता है युधिष्ठिर का नाम। इसी तरह से और भी हैं। और आपको बता दें एक आता है दयावीर, जो आजकल के महान विभूतियां, महान धर्म सुधारक, वे दया के भाव से ही महान बन गए। अब वो चाहे ईसा मसीह हो, चाहे पैगंबर मोहम्मद हो, चाहे जो है आपका क्या नाम इनका महावीर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, ये सब किस टाइप के वीर हैं, ये दयावीर हैं। ये दया दिखा करके जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन किए हैं। तो इस तरह से दोस्तों वीर रस संपन्न होता है। अब लेके चलते हैं आपको नए रस की तरफ जिसका नाम है भयानक रस। भयंकर वस्तु को या दृश्य को देखकर आपके मन में कैसा भाव जगता है, भय का, जिसे तद्भव रूप में डर कहते हैं। आपको बता दें भयानक रस, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखें कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी।
जैसे देखें एक और उदाहरण है आपका, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय विकल बटो ही बीच ही पर यो मूर्छा खाए। अब यहां पर देखें आप ध्यान दीजिए, उधर गरस्ती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी और चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। आप देखें आप नदी के किनारे मान लीजिए खड़े हो, आपका दोस्त धक्का दे दे ओ, तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे डर के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मान लीजिए सिंधु नदी के किनारे या किसी नदी के किनारे आप खड़े हों और लहरें अचानक उठें और आपकी ओर सुनामी जैसी स्थिति हो, आपकी ओर सांप की तरह फन फैला करके दौड़ने लगे, तो आपके मन में कैसा भाव जगेगा। या सुनकर या देखकर आप जब देखे होंगे 2004 सुनामी का परिदृश्य, तो आपके मन में डर का भाव आया, तो उससे कौन सा रस होता है, भयानक रस होता है। एक ओर अजगर ही, एक ओर से अजगर आ रहा है, एक ओर से जो है मृगराय शेर आ रहा है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, डर जाएंगे। ऐसा सुन करके भी आपके मन में डर का भाव उत्पन्न होगा, इसलिए वहाँ कौन सा रस होता है, भयानक रस होता है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट रस बताते हैं, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।